मोहम्मदन स्पोर्टिंग फुटसॉल क्लब चैंपियनशिप के ग्रुप स्टेज में अपनी आखिरी मैच में कल चनमारी जोथन फुटसॉल क्लब से भिड़ेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। मोहम्मदन जो 2 मैच से 6 पॉइंट हासिल कर ग्रुप ए के टॉप पर है, वो इस मैच से अगर 1 पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। हालांकि फुटसॉल में ड्रॉ काफी कम बार होता है, इसीलिए मोहम्मदन इस मैच को जीतकर ही सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहती हैं। आइए सुनते हैं मैच से पहले मोहम्मदन के कोच जोशी अवाज और खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। टुमारो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट चनमारी जोथन फुटसॉल क्लब एंड दैट्स अ थर्ड मैच ऑफ दिस लीग स्टेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनकाउंटर वंस अगेन एंड वी आर लुकिंग टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड विन 3 पॉइंट्स। द टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस मैच। वी हैव वॉच्ड चनमारी प्ले इन देयर फर्स्ट 2 मैचेस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव सेट आवर टैक्टिक्स फॉर टुमारो and hoping for a positive result and a win or a draw tomorrow will take us to the semi-finals. But yes, we will be going all out for a win and everything else is up to God, who is going to give us the strength and the courage to win tomorrow's match. Hoping for a positive result for the next match against Zotan Chanmari Futsal Club. Yes, they are a good team, good set of players, experienced players, and yes, they are the Mizoram state champions. Well, we are very well prepared for tomorrow's game. And the mistakes what we did in the last game, yes, we have been working on that also. And yes, we'll be coming out with a positive result. And 3 points is actually a must for us. Even a draw is possible. कल हमारा जो भी मैच है चनमारी के साथ, वो हमें जीतने के लिए खेलना है, क्योंकि तीनों टीम के लिए हेड टू हेड हो रहा है। अगर हम लोग हारते हैं तो बाकी टीम क्वालिफाई हो सकती है, तो हमें कुछ भी हालत में 3 पॉइंट्स लेके गो थ्रू होना है। भारतीय फुटबॉल से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया फूटी को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।